Morning all of you. I hope you all are good and I am also good. Today I will teach you tick right of this chapter my family. This is our first question. Tick and write the correct option MCQ. आपको एक options दिए होंगे यहाँ पे इस question में. आपको जो भी उस option सही है उस पर tick करना है. Let's start first. A household consists of all people who live in a dash. जहाँ पर घर में बहुत सारे सदस्य रहते हों उसे हम क्या कहते हैं. फर्स्ट हाउस, बी टेम्पल, सी स्कूल, डी हॉस्पिटल. घर कहेंगे, मंदिर कहेंगे, स्कूल कहेंगे या हॉस्पिटल, तो उसे हम घर कहेंगे. ओके स्टूडेंट, तो इसमें आपको हाउस पर टिक करना है. सेकंड, अ न्यूक्लियर फैमिली इज आल्सो कॉल्ड अ डैश फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली कौन सी फैमिली कहलाई जाती है. और क्लासिकल, ट्रेडिशनल, हिस्टोरिकल, नन ऑफ देम. तो ये ट्रेडिशनल कहलाई जाती है, तो उसमें आपको ट्रेडिशनल पर टिक करना है. थर्ड, वी ऑल चेंज एज वी ग्रो. जब हम सब बढ़ते हैं, बढ़ने लगते हैं, तो हमारे अंदर बदलाव होता है, तो हम कैसे दिखते हैं. यंगर, ओल्डर, एल्डर और सिक. तो हम ओल्डर दिखने लगते हैं. ओके, तो इसमें आपको ओल्डर पर टिक करना है. फोर्थ, न्यू बॉर्न बेबी डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स डैश मिल्क. जो नया बेबी, जो बच्चा जन्म लेता है, वो किसके दूध पर डिपेंड करता है, किसके मिल्क पर डिपेंड करता है. काउज मिल्क, मदर्स, फादर्स, कैमल. तो मदर्स मिल्क, तो आपको इसमें मदर्स पर टिक करना है. फिफ्थ, सम एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज आर कॉल्ड डैश. वो जो जानवर अपने बच्चों को जन्म देते हैं, वो जानवर कौन से कहलाए जाते हैं. मैमल्स, रेप्टिल्स, बर्ड्स या क्रीपर्स. तो वो कहलाए जाते हैं मैमल्स. ओके स्टूडेंट्स, सेम एज यू नोट दिस वर्क इन योर नोटबुक. थैंक यू.